we have never seen electric motors, how to repair it, how to manage it. So we have faced lots of problems. But day to day, we come up and nowadays we have anything we can do in electricity. आपको पूरा ब्रीदिंग मिल गया आपको एक्सपेक्टेशन का जो अक्षर डाल के रिसाइकल समझने का बाकी लोग जब आप चालू करेंगे बाद में बाकी लोग यूर फादर यूर एटलीस्ट कम से कम 5 साल का लीड टाइम हमारे लिए जो लिखे मैं लॉन्च कर रही है बाकी लोग सभी बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर बैठे वाले थे स्टिल राइट या स्टिल एपू रॉन्ग या स्टिल वी जस्ट वेटेड स्टार्टेड जो भी फीलिंग इश्यूज थे एक साल में नाउ इट रिटल स्टेबलाइज फिर आज फोर क्लिप वगैरह तो फिर कॉम्पिटिटर कभी सोच नहीं रहते कि फोर क्लिप जो अच्छा हेवी रखता है उसको वो कभी कर रखा है हमारे लिए जाके वहां पे Now you imagine, you name it, and therefore those guys are fighting. When we talk about Ace company, if we have a corporate tie up, OEM tie up with the Ace company, then people ask us, these kind of batteries we can You imagine it here? Yes. In Japan or Korea? It was only LG or Panasonic who were that. But as when those vendors are actually talking to you, जस्ट हमें मेसि किस बोलते सोच भी
काफी सारी कंपनी आई और गई बट वाली वॉज कंसिस्टेंट वाली ऑलवेज इट नॉट वी सर्वाइव ड्रोन Right now, and then it's such a
किया है, वहाँ से प्रोडक्शन भी आ रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा स्टोर में अलग अलग एप्लीकेशन लिथियम आयन का स्टोरेज यूज करके अलग अलग एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर ई बाइसिकल ई व्हीकल टू द फोर फीट ऑटोमोबाइल सेगमेंट, जो हॉट टॉपिक इंडिया में भी वो हॉट टॉपिक वर्ल्ड वाइड रही है, बट इंडिया में भी जो फोकस आ रहा है वेरी वेरी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक विजन है कि यू शुड गेट रिड ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, दैट इज नथिंग बट डीजल गजलर्स, जो डीजल कंजम्पशन वाले जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, सो वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस. वही लाइन पे राज साहब तो ऑलरेडी उसमें 9-10 साल का एक ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, तो आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी हेल्प से व्हाट वी विल ग्रो टुगेदर मच फास्टर एंड मच बेटर. थैंक यू वेरी मच. कोई भी स्टेटमेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं करूंगा कंपनी के बारे में, देखो वी आर कमिंग विद आईपीओ सो वी हैव रिस्ट्रिक्शन टू टॉक अबाउट क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट मिल जाएगा जैसे अभी तक हम लोग रिक्शा में लेडीसिट बैटरी यूज कर रहे हैं, लेडीसिट बैटरी में एक चीज बड़ी कॉमन कि एक बॉक्स रखा था और 100 या 120 130 140 यूज कर सकते, बट अभी जैसे लेडी आपकी लिथियम में इसमें एक ही बॉक्स है, वहाँ पे 3-4 दिखते थे अपने को जैसे एक बॉक्स में काम, उसमें जगह भी स्पे होगी आपका लोड जो व्हीकल के ऊपर लोड जो है वो भी कम हो गया, उसकी वजह से उसका जो माइलेज जो था रनिंग करने के लिए चार्जिंग से लेकर यूजुअली हम लोग एक अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम लोग मंथ की बात करते हैं, बट यूजुअली कोई भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम होती है उसका लाइफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल के ऊपर आता है, हम इन साइकिल्स तो कई लाइक इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिजाइन, तुम्हारा लीड लेट्स फॉर एग्जांपल लीड एसिड का साइकिल जो है नॉर्मल बैटरी का 1000 साइकिल का है या 600 का है, तो यही उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखेंगे तो 2-3 टाइम्स इसके है. We'll get the product.
डिस्चार्ज जो कैपेसिटी है आपका सेल्स का वो 1C या 3C टाइम किसका है? इंडिया में तो इलेक्ट्रिक जो सेल्स है वो नहीं बनते। कोई भी आज के दिन में लिथियम एक चीज़ है कि लिथियम आयन इंडिया में है, जो रॉ मटेरियल जो सेल्स है दिस ऑल आर इम्पोर्टेड, इंडिया में कोई बना नहीं है। इम्पोर्टेड जो कंपनी है क्या बैंक है उसकी जो स्टेजेस है आने के बाद जो इंस्पेक्शन जो है उसकी क्वालिटी जो है उसका एक अलग तरह से बाइफरकेशन किया जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पूरा स्टडी किया जाता है, अपनी बैटरी चार्ज टू द फुलेस्ट एंड देन इट गॉट डिस्चार्ज, उससे पता चल जाए कि कितने आवर्स में उस कितने इसमें वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो साइकिल से उसे बैंड बने एंड अकॉर्डिंगली उसका सॉर्टिंग किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारे किट्स बनेंगे। लाइक जैसे हम लोग लेगेसी बैटरी बनाते हैं उसमें ब्लेड लगाते थे, अदर कोई ब्रांड नहीं है, ये ला करके देन ब्लेड सिंगुलर एंड सिलेक्टेड लाइक इसे से इम्पोर्टेंट चीज इज क्वालिटी की कौन है। उसको टेस्ट करके ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, लीड एसिड इज वेरी डेंजरस है, छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है उसका फटता है, इशू होता है, उसका रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, लीड एसिड का एसिड लिमिट पे वो कट ऑफ करना चाहिए, ट्रेन बढ़ रहा है अभी कट ऑफ नहीं किया तो टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, अगर कट ऑफ करने के बाद थोड़ा टेम्परेचर छोड़ पड़ता है वो कंट्रोल करने के का यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग सेल्स पा सकते हैं
जो भी कुछ होगा सिर्फ क्या प्रोडक्ट है कुछ नहीं जानता है, प्रोडक्ट यूज नहीं किया है तो मेरा जो कस्टमर होगा वो भी यूज नहीं करेगा किया है, तो वो हम लोग तो देख के ही वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे और ही उसको नहीं कर सकता है जो रिपूव में हो। तो हम का मेरा क्वेश्चन ये वो ही हम सही करेंगे यूजर बन छोड़े तो रिसीव करने से मेरा क्या आएगा क्या उसके ऊपर ही करने वाला 50% ले लेगा और उससे वो चक्कर में क्या हो गया सोनर बदनाम हो गया था। 2017 से हमने जो चालू किया जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को फील आ रहा था कि कोई भी आप कौन सा प्रोडक्ट लगा जाए नहीं तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरे को मालूम था बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है फिर भी मैंने लगा दिया। मिया जो वारी का प्रोडक्ट जब आ रहा है इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट वे से डू योर रिसर्च, हम कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं, काफ़ी सीरीज भी हमने रन की कस्टमर का अवेयरनेस। कोरोना के पहले करीब करीब 25 सेशंस अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटीज में हमने इंटीग्रेट किए थे। जो इंटेंट हमारा सेल का कभी नहीं था, इंटेंट ये था कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास दे रहे हो जो भी तुम कस्टमर को दे रहे हो प्लीज़ गिव ग्लास जॉल देख रहा है, कभी ये नहीं बोला कि तुम वारी यूज़ करो आप जो बोलोगे तो ज्यादा 80% चांस वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा बेटर उसके वही तुम जो जो उसको 20 साल का एक्सपीरियंस दे कि वो तो छत पे रहने वाला है बारिश धूप ठंड विंड जो भी है सब स्टॉम विंड सभी वही सही करने वाला है प्रोडक्शन का, तो वो सस्टेनेबल है क्या वो प्रोडक्ट, तो सस्ता सुंदर टिका हो रहेगा तो पूरी जिंदगी में टिक नहीं करेगा। तो वो चीज़ जो है वो कस्टमर के पास है, जो पीटे तुम्हारा इन्वर्टर रहे मॉड्यूल रहे केबल्स रहे या तुम्हारे जो ECB जंक्शन बॉक्सेस वो रहे प्लीज़ वो इंसिस्ट करो लेट कस्टमर ऑल्सो टू बी अवेयर ऑफ इट, कस्टमर एजुकेशन जो भी लगा रहे मैं प्रीमियम ले रहा हूँ सस्ता सुंदर तो कभी नहीं रहूँगा, मैं दे रहा हूँ अच्छा क्वालिटी और वो हमारी हर बार आज नहीं 2007 से जब से हमारे लिए चालू किया आज तक मिस्टेक्स होगी नो डाउट अबाउट बट इंटेंशन कभी गलत नहीं होगा वी विल ऑलवेज स्टिक टू दैट। रही बात इंटीग्रेटर की जो इंस्टॉलर है वो लगा रहे डेफिनेटली आपको कोई XYZ परसेंटेज वारिसी भी मिल भी जाएगा प्रोडक्ट सस्ता भी मिल जाएगा डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। आज मैं देख रहा हूँ हर एक स्टेट में देख रहा हूँ सोलर में आज के दिन में 500 लोग हैं 500 इंटीग्रेटर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे जाओगे तो 600 होंगे बट एक 500 में से 300 गायब हो गया 200 कम से कम गायब हो गए कम से कम। लेकिन एक 3 स्टेट का मैं जो सैंपल निकाल रहा था पहला 2016-17 में 18 में जो लोग थे 19 में कितने थे 20 में कितने सरप्राइजिंग आई फाउंड
कि कम से कम 20-25% लोग धंधा छोड़ के निकल रहे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता सुंदर के ट्रैप में घुसे एंड देन वो प्रेशर नहीं सहन कर पाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर पहला किसको लगा किसने था वो आंसर क्या देता है, नहीं नहीं मैं ये धंधे में नहीं, मैंने मोबिलिटी मोबाइल बेच रहा हूँ मैं या केबलिंग कर रहा, नहीं मैं इलेक्ट्रिकल ये कर रहा हूँ, मैं दूसरा चालू कर रहा हूँ। तुमने नाम तो खराब कर ही लिया वहाँ पे, वो कभी आपकी जिंदगी में वो आपको अच्छा बोलेगा नहीं, डिफरेंस देगा नहीं। डोंट स्पॉइल देम, जो भी दे रहा है ढंग का दो। कमर्शियल वो वॉल्यूम पे देखो, उसने आगे 3 कस्टमर आपके पास ला के दिए, दैट विल गिव मच मोर बेनिफिट देन 1 कस्टमर व्हाट यू आर गिविंग नाउ। वो नाम भी देगा और वो पैसा भी देगा। इंटीग्रेटर्स की बात करो, मान लीजिए सर आपका मान लिया कि आपका क्वालिटी अच्छा है, गुड क्वालिटी प्रूवन है, इनफैक्ट वो सर्च करने मैं तो ये बोलता पहले घर वालों को बोलता प्लीज सर्च इट एंड द बेस्ट वे इज दैट गेट इट टू गूगल, यू विल फाइंड सो मेनी प्रूवन। मान लीजिए मेरा जो कस्टमर है तो वो लिया है तो उसको 10 ईयर्स वेट करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट कस्टमर देने के लिए। देने क्यों? जो मेरा जब यूएस में लग रहा है, न्यूयॉर्क में लग रहा है, वही मैं हावड़ा में लगा रहा हूँ, वही प्रोडक्ट लग रहा हूँ, उससे ज्यादा बेटर सर उससे भी है। तो अभी ऐप का दुनिया जो है ওনাকে বলো কফি কফি বানাতে সবাইকে হাতে হাতে দাও। पेपर न्यूज पेपर से हमने कोई ज़्यादा बिलीव नहीं किया, रैम शुड बी अगेंस्ट ऑफ इट्स ऑफ बेस्ट ऑफ इट। उससे बेटर यू स्पेंड मनी क्रिएट अवेयरनेस टू द एंड कस्टमर, क्योंकि एंड कस्टमर को जब सोलर का बेनिफिट समझ में आएगा तो इंटीग्रेटर्स को और सेल्स पीपल को सेल करने की जरूरत। तो वी बिलीव, आई पर्सनली बिलीव, मैं 6 साल से हम ये कर रहे हैं, मेरे मैनेजर पता है और 350 सिटीज जैसे हावड़ा जैसा है, कलकत्ता जैसा है, इंदौर लो बोर्ड म्यूनिशन हो या बारीपाड़ा हो या मानासर हो या आसाम लो या मणिपुर फंडामेंटल क्लियर कस्टमर के तुम अवेयरनेस कस्टमर टू बॉस व्हेन यू आर बाइंग इट बाय क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि तुम जो खरीद कर रहे हो वो तुम खरीद कर रहे हो 20 साल का परस्पेक्टिव देख के, तो प्लीज बाय क्वालिटी प्रोडक्ट। आज कोई सस्ता दे रहा है जो कोई मुझे 10,000 का दे रहा है एंड मोबाइल का प्रोडक्ट सब ले 12,000 का, तो 2,000 बचाने के चक्कर में 4 साल के बाद रोना मत। महंगा लगे एक बार होंगे, 10 साल होंगे तो बार बार होंगे। उसने मेरा इंटीग्रेटर्स को एक रिक्वेस्ट हुई होगा इंस्टॉल को एक ही जो प्राउडली बोला नहीं कि इन्होंने मेरे घर पर लगाया मोर एंड सर्विस प्रोडक्ट से इंस्टॉल करके आपको 1 टाइम सर्विस जो है लाइक इंश्योरेंस का आइडेंटिटी बिजनेस होता है ना अपन, राइट? इंश्योरेंस एजेंट से आप एक बार इंश्योरेंस कर लो उसमें तो कम से कम 25 साल तक उसका कमीशन तो मिलता ही रहता है, व्हाटएवर किसी को 5% मिलता रहेगा, तुम्हारा प्रीमियम ऊपर है 10% रहेगा, 25% रहेगा, व्हाटएवर मतलब लाइफ टाइम। थिंक फ्रॉम दैट एंगल, वो जो कस्टमर है वो तुम्हारे साथ में, हमारे साथ में एक भी रिक्वेस्ट थी कोई भी कस्टमर आप देखोगे कोई थिंक फ्रॉम दैट एंगल जो तुम्हारे साथ 20 साल के बाद भी रहेगा तो बोले चलो नहीं राज बैठी मेरे पास हमारे यहाँ पे सुन लो। यही वारी का आज जो लिगेसी हम बोलता हूँ या वारी का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है इसी ने जो 2007-08 में भी हमने जो प्रोजेक्ट किए हुए आज भी वही ऑप्टिमम जो हमने प्रिस्क्राइब किया होगा डेटा शीट में वो उससे बेटर परफॉर्म करा रहे हैं, नहीं कुछ तो कम से कम आधे टू दैट स्टैंडर्ड हमने जो पहले ही लिखे। थैंक यू वेरी मच वारी की तरफ से और राज भाई की तरफ से। मेरी तरफ से चाहिए आपका वारी से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह या कहीं का प्रोजेक्ट का डिटेल्स वगैरह वो सब मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अंत में इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, घर में सो रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते थे
काफ़ी समय हमने सारा चेक किया और कंपेयर किया, बड़ी सारी कंपनियों को कंपेयर किया, एक ही जगह पर मैं आपने लिखा था बार बार की और प्रोडक्ट लगभग सारी कंपनियों के लिए OEM मैन्युफैक्चर करके दिया है। आज जो भी आप कंपनी आपके धंधे में दिख रही है ना, चाहे कोई भी हो, धन में किसी का नहीं लेना चाहता, मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे वेबसाइट पे पब्लिकली लिखा हुआ है कि हमने उनको पैनल बना के दिया उनके नाम पर। वो खुद भी अपना बोलते हैं कि मैंने पहला प्रोडक्ट बारी से बनवाया, चाहे वो कोई भी बड़ा से बना हो जिसको आप जानते हैं या जिसके बारे में आप पब्लिक से भी की बात कर रहे हो। थोड़ा इसमें डेविएशन को थोड़ा सा, इंडिया में जो भी बड़े प्लांट लगे हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, डेफिनेटली वारी के साथ जुड़ा है, बस ये कहना था। राधा देन सही कि जिसने हमसे बनवाया उससे कोई जरूरी नहीं, जिसने भी सोलर प्रोजेक्ट लगवाएगा बड़े प्रोजेक्ट डेफिनेटली Thank you very much.